हाँ जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सबको। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अनंत राज के प्लॉट्स जो सेक्टर 63 में है। साथ में लगता है आपका AIPL का भी कमर्शियल आ रहा है, जहाँ पे रिटेल और ऊपर स्टूडियो है। उसके साथ में ही ये लगता है बी ब्लॉक। अब अनंत राज को बिके हुए काफी टाइम हो गया है मार्केट में। तकरीबन इन्होंने 2010 में बेच दिए थे और काफी प्रोजेक्ट बेचे थे काफी हाई प्राइस में। मेरे ख्याल से जब बिके थे 50 से कम की किसी की बुकिंग नहीं है। और लेकिन अब वो 7 साल के बाद एक वेटिंग टाइम में कैसा है कि जब अब हाँ थोड़ी थोड़ी हैबिटेशन अंदर होने लगी है, लोगों का रुझान यहाँ पे आ गया है। AIPL आने के बाद भी काफी फर्क पड़ा है इस प्रॉपर्टी को। तो अब ये है बी ब्लॉक का गेट। बी ब्लॉक के गेट के अंदर आपका ये देखिए गार्ड अपना आ रहे हैं। गार्ड साहब अभी ये खुलेंगे और एक तरह की गेटेड कम्युनिटी है। उसके बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स मेजरली इस टाइम जो अनंतराज के अंदर है, विला की डेवलपमेंट काफी हुई हुई है। अंदर की लैंडस्केपिंग जो है वो इन्होंने कमाल की रखी हुई है। वहां जो लैंडस्केपिंग कहने का मतलब है कि पाम के पेड़ लगाए हुए हैं और बाकी जो क्लीनिनेस है, जैसे कि प्लॉट के आगे पीछे, जैसे हम जैसे नॉर्मल सेक्टर्स में देखते हैं कि आगे पीछे प्लॉट नहीं होता, जैसे यहाँ पे प्लॉट है तो इसके पीछे एक देखो छोटी सी ग्रीन बेल्ट है और उसके पीछे फिर प्लॉट है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता इस टाइम कि किसी और सेक्टर में गुड़गांव में एक ऐसी चीज है। जैसे ये पेड़ भी है, पेड़ों की कॉस्टिंग काफी महंगी है, लैंडस्केपिंग पे काफी टाइम मेहनत और पैसा भी लगता है और क्लीनिनेस भी कमाल की है। जैसे आप देखोगे साइड में पार्किंग है। मेजरली इस टाइम विलाज से ऑक्यूपाइड है, फ्लोर नहीं है। यहाँ पे सारे इंडिविजुअल विलाज हैं। प्राइसिंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्राइसिंग यहाँ पे आपकी इस टाइम जो बिल्डर सेल आउट कर रहा है वो 70-75 कर रहा है और रीसेल मार्केट में कहीं प्राइस आपको 65 के आसपास कहीं मिल जाता है, 2-3 हजार ऊपर नीचे डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अब यहाँ पे रिसेंटली पिछले 3 से 4 महीनों में प्राइवेट बिल्डर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे भी देखिए खड्डा खुद रहा है तो ये प्राइवेट बिल्डर्स बना रहे हैं। सामने ये जो आपको अनकम्प्लीटेड विलाज दिख रहे हैं तो ये अनंतराज ऑर्डर पे कम्प्लीशन करता है कि जैसे जिन्होंने बाय कर रखे हैं उनको, उन्होंने जब भी कम्प्लीशन लेना हो तो वो बोल सकते हैं और उन्होंने कम्प्लीशन दे सकते हैं। अब ये इन्होंने सेमी ब्लॉक कर रखे हैं। जैसे मैं कि बता रहा था काफी साफ सुथरा एनवायरनमेंट है। साफ सुथरे एनवायरनमेंट से यू रहता है कि हैबिटेशन और ऑक्यूपेंसी इसलिए थोड़ी सी कंट्रोल में भी रहती है क्योंकि ज्यादातर इस टाइम जैसे मैं बता रहा हूँ कि विलाज हैं, इंडिविजुअल फ्लोर्स नहीं बन रहे हैं। इस टाइम आके अब बिल्डर्स ने 3-4-5 यहाँ पे शुरू करे हैं ब्लॉक्स, प्लॉट शुरू करे हैं जहां पे वो प्लॉट लेके आगे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लैंडस्केपिंग वाह कमाल की है। पेड़ वेड़ देखो अभी इन्होंने काफी अच्छा, अंदर से मैं बोलूंगा कि 10 out of 10 ऑन द इनर मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। प्लॉटिंग के अंदर ऐसी मेंटेनेंस नहीं मिलती है। अब सवाल आती है क्या ये सही इन्वेस्टमेंट है के नहीं। देखो कुछ टाइम पहले तक सही इन्वेस्टमेंट नहीं थी बिल्डर्स के लिए और फ्लोर्स के लिए। एंड यूजर के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसे लोग हो कि जहां पे आपकी खुद मेंटेनेंस और विला टाइप में आप रहना चाहते हो तो विलाज बनाने के लिए लोकेलिटी काफी अच्छी है। थोड़ा सा डिस्टेंस अंदर पड़ता है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से तकरीबन मेरे को लगता है कि 3-4 किलोमीटर का अंदर डिस्टेंस होगा, लेकिन एक बार अंदर घुस जाने के बाद कमाल की डेवलपमेंट है अंदर। ऑक्यूपेंसी वाइज कम है, ये कुछ सिलेक्टेड ब्लॉक्स हैं जहां पे आपका प्रॉपर्टी प्राइस और वहां लेना अच्छा रहेगा आपको। जैसे कि मैं जहां पे हम घूम रहे हैं बी ब्लॉक है, बी ब्लॉक में इसमें काफी अच्छी डेवलपमेंट हो चुकी है। हाँ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या इन्वेस्टमेंट ठीक रहेगी या नहीं,
यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्राइसिंग जो है जब से लॉन्च हुआ है तब तक आज तक की अभी तक स्टेबल ही है। बिल्डर अभी 70-75 प्राइसिंग के साथ है। अगर आप 5 साल का होराइजन लेके चलते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एक एक देगा एंड यूजर्स के लिए। अगर छोटा है इन्वेस्टमेंट, अगर स्मॉल टाइम में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं 2-3 साल में निकाल दें तो अभी आप रोक सकते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि अभी स्टिल ये प्रोग्रेसिव स्टेज में है सोसाइटी। एंड यूजर्स के लिए, रहने के लिए बहुत अच्छी सोसाइटी है। दूसरी बात प्रोफेशनल बिल्डर्स के लिए यहाँ पे अभी चार पांच बने हुए हैं। बेस्ट टाइम है, कंपटीशन नहीं है, प्राइसिंग भी ठीक आ जाएगी। प्लॉट प्राइस एक अच्छे प्राइस पे आप बाय कर सकते हो और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो क्योंकि अभी फ्लोर्स नहीं है, लग्जरी ब्लॉक हैं, विलाज ऑपरेट हो रहे हैं। माइंड यू यहाँ पे विलाज जो अनंत राज के, इन्होंने 7-7, 8-8 करोड़ के बेचे हुए हैं, तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ के बीच में कहीं फ्लोर बेचना एक ओके सी बात रहेगी। गेटेड है सोसाइटी है, अभी ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, तो बिल्डर्स के लिए थम्स अप। और एंड यूजर्स के लिए आप एक बार लोकेशन को आके देखिए, समझिए, अगर लोकेशन वाइज और अंदर आपको सराउंडिंग्स सूट करते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है। रेंटिंग के लिए ऑप्शन, अभी इतनी हैबिटेशन है नहीं तो मैं रेंटिंग पे कोई कमेंट नहीं करूंगा कि रेंटिंग ठीक रहेगी या बाइंग ठीक रहेगी। अभी आप रेंटिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शंस ही अवेलेबल नहीं है तो कोई डज नॉट मेक एनी सेंस टू कमेंट। ठीक है जी, ये था अनंत राज के प्लॉट्स का हमने रिव्यू करा और नेक्स्ट टाइम किसी और प्रॉपर्टी के लिए हम रिव्यू करेंगे। आप अगर कोई प्रॉपर्टी रिव्यू करना चाहते हैं या तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। अगर कोई आपके इस प्रॉपर्टीज को लेके कुछ विला या कोई व्यूज हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, YouTube पे अगर जाएं तो लिंक सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है कि आगे और वीडियोस बनाने का मन करता है। चलो बाबा, चलो नेक्स्ट टाइम के लिए बाबा, कल मिलेंगे फिर से।